नमस्कार दोस्तों, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। देखिए, हमने एक वीडियो अपलोड किया था कि अब की जो बारी है वो है भारत के जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं वहां पर अब एडवर्टाइजमेंट निकलना प्रारंभ हो जाएगा। जो वार्निंग दिया गया था उस वार्निंग के हिसाब से और उसके पहले भी गाइडलाइन दे दिया गया था कि आपको जल्दी से जल्दी जो है एडवर्टाइजमेंट निकालना है और यूनिवर्सिटी में, ध्यान दीजिएगा, यूनिवर्सिटी में जो वैकेंट पोस्ट है उस वैकेंट पोस्ट को जल्दी से जल्दी भरना है। इसीलिए देखिए, क्रम से चालू हो चुका है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक, जो मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों, अमरकंटक, जहां से जो है नर्मदा नदी का स्रोत है, नर्मदा नदी का स्रोत अमरकंटक है, जहां नर्मदा माई का बहुत बड़ा टेंपल है, उद्गम स्थल है। उस स्थल पर ध्यान दीजिएगा, चारों तरफ जंगल, जंगल का सीनहरी, प्राकृतिक सीनहरी के बीचों बीच ये कैंपस यूनिवर्सिटी है, जहां पर बच्चे वहां पर कैंपस में रहकर जो है पढ़ाई करते हैं। और आपको भी जो है यदि टीचर के रूप में नियुक्ति होता है तो वहां पर कैंपस में ही आपको रहना है, और वहीं आसपास यानी कि पहाड़ी इलाका, पहाड़ी इलाका, गर्मी में ठंड का महसूस, गर्मी में ठंड का महसूस, जहां पर आप ले सकते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक मध्य प्रदेश में। देखिए, वैकेंसी निकला हुआ है, उस वैकेंसी का हम थोड़ा सा अध्ययन कर ले कि किस चीज का वैकेंसी निकला हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बढ़िया चांस है, इसके लास्ट डेट अभी बाकी है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जून में आपका एग्जामिनेशन होगा और जुलाई के शुरू में ही जो है आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा, और जो अभी जून 2019 में पास कर लेगा वो बच्चा इसमें अप्लाई कर सकता है, वो जो नेट क्वालिफाई कर लेंगे। ये आपके लिए बहुत बड़ी अवसर है। जुलाई 2018 के जो विदेशी नाम्स हैं उसी नाम्स के अनुसार ही जो है आपका सिलेक्शन होगा, कोई रिटर्न टेस्ट नहीं होगा, स्क्रूटनी होगा, स्क्रूटनी का आधार होगा आपका मैट्रिक, हायर सेकेंडरी स्कूल के मार्क्स, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमपील, पीएचडी, नेट, सेट, ये सारे मार्क्स जुड़कर जो है स्क्रूटनी होगा, आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। सिलेक्शन कमिटी के समक्ष आपको जो है इंटरव्यू देना है, और उसमें यदि इंटरव्यू में सफल हो जाते हैं तो इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपका अपॉइंटमेंट होगा। दोस्तों, आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये देखिए, आप जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी निकला हुआ है अलग अलग पोस्ट के लिए। ये है डायरेक्ट पोस्ट, 1 जून 2019 से ऑनलाइन एप्लीकेशन, ओपनिंग डेट यहाँ पर कर दिया गया है, क्लोजिंग डेट भी दे दिया गया है, ठीक है। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 13 जून 2019, लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग द हार्ड कॉपी है 15 जुलाई, 30 जून को जो है ये ऑनलाइन एप्लीकेशन का अंतिम तिथि है। यदि संभवतः लगता है रिजल्ट नहीं आएगा जून का रिजल्ट, ठीक है, मुझे लगा था 15 जुलाई 2019 को अंतिम तिथि है, लेकिन हार्ड कॉपी जमा करने की जो अंतिम तिथि 15 जुलाई 2019 दिया हुआ है, ठीक है, 30 जुलाई इसकी अंतिम तिथि दिया हुआ है। दोस्तों, यहां पर देखिए पोस्ट निकला हुआ है दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर का भी है, एसोसिएट प्रोफेसर का भी है, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे केमिस्ट्री में टोटल पोस्ट 2 है, हालांकि पोस्ट बहुत कम है दोस्तों, यूनिवर्सिटी में ऐसा ही होता है। यहाँ पर देखिए एजुकेशन में भी ज्यादा पोस्ट नहीं है, इसमें ज्यादा पोस्ट नहीं है दोस्तों, फिर भी आपको जो है यदि नेट जेआरएफ क्लियर किए हुए हैं तो इसमें आपको अप्लाई करना है। मैं एक बात मानता हूं, ध्यान दीजिएगा, मुझे एक पोस्ट चाहिए, मुझे 100 पोस्ट नहीं चाहिए। 100 पोस्ट होगा तो कॉम्पिटिशन ज्यादा होगा, कम पोस्ट होता है तो वहां पर कॉम्पिटिशन कम होता है, कई बार तो नील एप्लीकेशन आता है। हर आदमी यही सोचता है कि अरे यार इतना कम पोस्ट में क्या अप्लाई करना, अप्लाई नहीं करूंगा, हर व्यक्ति यही मनोभावना लेकर चलता है। लेकिन कुछ लोग जो है हिम्मत नहीं हारते, उनको एक पोस्ट चाहिए, एक पोस्ट में ही जो है वो अप्लाई करते हैं,
यूनिवर्सिटी में ऐसे ही निकलता है, वहां पर ढेर सारे पोस्ट नहीं निकलता, एक इंस्टीट्यूट है बस। तो इसलिए हम लोग भी अपॉइंटमेंट हुए, एक पोस्ट दो पोस्ट में हुआ है, तो इसलिए आपको चिंता करने की बात नहीं है। आपको जो है यदि नेट JRF क्लियर किए हुए हैं, पीजी में 55% है, तो आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए, चाहे पॉलिटिकल साइंस, ह्यूमन राइट्स, पॉलिटिकल साइंस एंड ह्यूमन राइट्स, RCM, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी में ये सारे वैकेंसी निकला हुआ है दोस्तों, योगा, जूलॉजी सभी में निकला हुआ है, टोटल पोस्ट 95 है, ध्यान दीजिएगा, जनरल कैटेगरी के लिए 51 पोस्ट है। तो यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन दे दिया गया है, यहाँ पर जो है ये जो रिक्रूटमेंट होगा असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर का, ध्यान दीजिएगा, ये जो UGC रेगुलेशन 2018, ध्यान दीजिएगा, इसके अंतर्गत होगा, जो रेगुलेशन बताया उस रेगुलेशन के हिसाब से होगा। यहाँ पर जो है एलिजिबल कैंडिडेट को जो है इंटरव्यू के लिए, ठीक है, इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, विल नॉट इंटाइटल एनी कैंडिडेट टू बी कॉल फॉर इंटरव्यू मेयर एलिजिबिलिटी, जो प्राय जो एलिजिबिलिटी चाहिए यदि वो एलिजिबिलिटी उसके पास में नहीं है तो उसको इंटरव्यू में कॉल नहीं किया जाएगा। एलिजिबिलिटी शैल बी द ascertained strictly on the basis academic research score obtained as per appendix second table second of the UGC regulation 2018। ध्यान दीजिएगा, ये जो UGC 2018 में आपका जो 12th marks, graduation marks का भी जो है वहां पर slab दिया हुआ है, इतना percent में इतना marks, इतना percent में इतना marks, यानी कि स्क्रूटनी होगा आपका और उसी हिसाब से जो है आपका इंटरव्यू कॉल किया जाएगा। जिसका ज्यादा मार्क्स है उसका, उसको जो है स्क्रूटनी में रखा जाएगा और फिर उसका सिलेक्शन बोर्ड के समक्ष जो है फेस करना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा, और यदि उसमें जो है आप सफल हो जाते हैं तो आपका अपॉइंटमेंट होगा दोस्तों। यहाँ पर एज बाउंड नहीं होता, यूनिवर्सिटी में एज बाउंड नहीं होता, यहाँ पर TA DA भी आपको नहीं मिलेगा, केवल SC ST कैटेगरी को जो है सेकेंड क्लास स्लीपर रेल फेयर मिलेगा सॉर्टेड रूट का। ध्यान दीजिएगा, ये समस्त चीजों को पढ़ लेना है। यहाँ पर ₹1,000 अनरिजर्व और OBC कैटेगरी के लिए फीस है और SC ST PWD EWS के लिए ₹500 फीस है दोस्तों। आपको कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पर देखिए, जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं वो हार्ड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन भरे, फिर उसका प्रिंट कॉपी निकाले और 15 जुलाई 2009 के पहले स्पीड या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से उसको जो है भेज दे। ध्यान दीजिएगा, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द सर्टिफिकेट, यानी कि खुद का खुद जो है सर्टिफाई करना है, अटेस्टेड करना है, और किसके किसके लिए, प्रूफ ऑफ एज, प्रूफ ऑफ एज का मतलब 10th क्लास का चल जाएगा, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, कास्ट, प्रूफ ऑफ API, एप्लीकेशन फीस डिटेल्स, ये सब चीजों को जो है आपको भेजना है। डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको साइन करके भेजना है। यदि आप एम्प्लाई हैं तो NOC चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड लेटेस्ट सैलरी स्लिप अलोंग विद प्रूफ ऑफ रेगुलर स्केल ऑफ पे, यदि रेगुलर कैंडिडेट है तो, रेगुलर यदि आप मान लीजिए कहीं पर रेगुलर पोस्ट में है और आप एक्सपीरियंस का फायदा लेना चाहते हैं तो आपको ये सब चीजें लिखना पड़ेगा दोस्तों। मुझे लगता है कि आपके लिए ये फायदेमंद है और इसको एक बार देख लीजिएगा, उसके हिसाब से आप अप्लाई कीजिएगा। थैंक यू।